किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जब जाता है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जब जाता है, तब उस संख्या का ही वर्ग उत्तर में आ जाता है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जब जाता है, तब उस संख्या का ही वर्ग उत्तर में आ जाता है। प्यारे चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम पहली वीडियो में वर्ग ज्ञात करने के लिए सिखाए थे और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सिखाए थे। आप लोगों को 1 से 30 तक का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम सिखाए थे और हम जानते हैं कि 30 अंक कितना होता है, 900 होता है। अब आगे हम आप लोगों को 10,000 तक की संख्याओं का वर्गमूल 1 मिनट में खेल खेल विधि में हम ज्ञात करना सीखेंगे। आज ऐसा ट्रिक आप लोगों के लिए आया है, जैसे कि हम 900 के बाद में 30 के बाद में हम 40 को ले लिए, 40 अंक कितना होता है, 50 इस तरह से 100 अंक कितना होता है, 10,000 तक की संख्याओं का यदि वर्गमूल आप लोगों को निकालने के लिए बोलेगा तो बिना कठिनाई के, बिना हल किए ऐसी ट्रिक हमारे पास है कि हम मौखिक ज्ञात कर सकते हैं, वो भी 1 मिनट में। अंडरस्टूड यू? यस। तो देखिए, हम मान लीजिए हमको दे रहा है प्रश्न में क्या दिया है बच्चों, 3,364 का वर्गमूल ज्ञात करो, और हमको इस कठिनाई को छोड़कर के सरल विधि में हम निकालना चाहते हैं और तो ट्रिक द्वारा हम मौखिक ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिए इस संख्या को, इसमें जो 10-10 के अंतराल में हम वर्ग निकाले हैं, इसमें 1600 है, 2500 है, 3649 इस तरह से है। ये जो 3,364 है, इनमें से किन के बीच में आएगा बताइए? जैसे कि 1600 है, 2500 है, हमारे पास 3300 है ना, तो यहाँ पर 3300 मतलब 2500 और 3600 के बीच में आएगा वो, ठीक है ना, मतलब 50 और 60 के वर्ग जो हम लिखे हैं उसके बीच की संख्या है ये, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। बच्चों यहाँ पर लिख दीजिए 50 का वर्ग और यहाँ पर लिख दीजिए 60 का वर्ग। 50 अंक कितना होता है, 2500 और 60 अंक कितना होता है, 3600, और इसके बीच में हमारा प्रश्न है, इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका मतलब 2500 से कम नहीं है ये और 3600 से अधिक नहीं है, इसका मतलब इसका वर्गमूल 50 से कम नहीं होगा और 60 से ज्यादा नहीं होगा, और 60 का कितना होता है मालूम ही है और 50 का कितना होता है वो मालूम है। इसका मतलब 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 इन संख्याओं में से कोई संख्या ही इसका वर्गमूल होगा। अंडरस्टूड यू? यस। अब देख लीजिए इसके इकाई में क्या है बच्चों, तो इनमें से कोई संख्या को हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो आप लोग देख लीजिए 51 को 51 में गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 आएगा, मैंने 1 4 नहीं आ रहा है, ये नहीं हो सकता है, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, ये हो सकता है आपका उत्तर, 3 3 9 होता है, नहीं होगा, 4 4 16 होता है, नहीं होगा क्योंकि 4 है, 5 5 25 का 5 आएगा, ये भी नहीं होगा, 6 6 36 का 6 आता है, ये भी नहीं होगा, 7 7 49 का 9 आता है, ये भी नहीं होगा, 8 8 64 में भी 4 आता है, ये हो सकता है, और 9 9 81 का 1 ये भी नहीं होगा। सरल ट्रिक में 3,364 का वर्गमूल इन्हीं दोनों संख्याओं में से कोई संख्या होगी। अब आप लोग देख लीजिए, एक संख्या इधर के किनारे में है और एक संख्या इधर के किनारे में है, जो आप लोगों को संख्या दी गई है वो 3600 के निकट में है कि 2500 के निकट में, 3600 के निकट में, क्योंकि 3300 से 3600 कम दूरी है, इधर 2500 से 3300 अधिक दूरी है, दूरी के कारण इसमें उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, 58। तो आप लोग बिना देखे ट्रिक के द्वारा लिख दीजिए 3,364 का वर्गमूल कितना होगा, 58। दिस इज आवर आंसर। ऐसे साल का किया जाता है, बिना बुक देखे, बिना कॉपी के, बिना याद किए, बशर्ते कि आप लोगों को वर्ग ज्ञात होनी चाहिए हमारे बच्चों को।
मैं तो पूरा हमारे प्यारे बच्चों को बोल रहा हूँ मिडिल स्कूल के कि इसमें वर्ग ज्ञात करने के लिए हम वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए स्ट्रिक का प्रयोग करोगे आप लोग तो 10,000 तक की संख्याओं को इस तरह खेलते खेलते हंसते हंसते निकाल सकते हैं। ओके, अब अगली वीडियो में फिर इस तरह के सवाल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ओके।